কাছাকাছি পাশাপাশি। আমায় ক্ষমা করবেন মিস্টার কাপুর, এই বিয়েটা বোধ হয় হওয়া সম্ভব নয়। আপ এসি বাতে কিউ কর রে হ্যায় সন্যাল বাবু, আপ তো ইতনি নেগেটিভ মত সোচিয়ে, সব ঠিক হো জায়েগা। মে জাকে উনকো মানাউঙ্গা, আপ ইনকো মানায়েঙ্গে। দেখিয়ে সন্যাল বাবু, ইয়ে শাদি তো হোকে রহেগি, ক্যোঁকি মুস্কান কি জিন্দগি কা সওয়াল হ্যায়, কোই মজাক নাহি হ্যায়, হ্যায় না? कितनी बार समझाया तुझे वीर, कितनी बार समझाया, लेकिन तू है अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो मोना समझाए इसे। तुम लोग चाहते हो कि मुस्कान इस घर में लौटे, तो फिर यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ओ पुत्र वीर, बात को समझ, अपने नफरत को, अपने गुस्से को अपने से दूर कर और एक बात को समझने की कोशिश कर। मुस्कान ने उस कोर्ट में, भरे कोर्ट में जहां तू खड़ा था, तेरी वो एक्स वाइफ, उसकी मां, ये दादी, मैं, उसने उसने लावण्य को क्यों चुना? क्यों चुना? क्योंकि वो एक नादान सी बच्ची है, इनोसेंट है। उसे उसे समझ में आता है माया, ममता, अपनापन, प्यार, जो तू उसे नहीं दे पाया इतने सालों में। और स्त्री की बात तो छोड़ ही दे, भूल जा, लेकिन लावण्य ने ये पूरा कुछ 2 महीने में कर दिखाया, सिर्फ 2 महीने में। मोना समझ, खुद भी समझ और इसको भी समझा। मुस्कान को अगर इस घर में वापस लाना है तो इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा, कोई रास्ता नहीं है। समझा कर रणवीर, समझा कर। देख, देख बेटा, उस नादान सी बच्ची ने अपनी मां को चुन लिया है, ढूंढ लिया उसने, बस तू समझ जा। और एक बात और, ये जो नफरत, ये गुस्सा, ये तेरा गुस्सा जो है ना, ये तेरी नफरत जो है, वो लावण्य के लिए नहीं है, ये नफरत तू खुद से करता है।